लागू होती है तो हमारा गन्ने का रेट 800-900 रुपए कुंटल आज अपने आप हो जाएगा, अपने आप हमें कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं। लेकिन इन्हें पता है राष्ट्रीय दल से हूँ, किसान के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किए हैं उनका पुरजोर विरोध करते हैं, लोकदल पार्टी की तरफ से करते हैं, किसान यूनियन तरफ से विरोध करते हैं। इससे किसान को नुकसान होगा, MSP की गारंटी सरकार जब तक नहीं देती तब तक ये विधेयक का कोई मायने किसान के हित में नहीं है, बल्कि इससे व्यापारी को एक लाभ होगा कि उसकी लिमिट खत्म हो गई, 3/7 लटकी रहती थी हर समय उसके सर पर, उसका स्टॉक चेक किया जाता था वो समाप्त हो जाए, कालाबाजारी बढ़ेगी और आम आदमी को इससे नुकसान होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इससे बहुत नुकसान होगा। किसान को मार्केट खुला है अच्छी बात है, हर जगह अपना माल बेचेगा वो, लेकिन इसके साथ साथ MSP की गारंटी होनी चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम है, कोई व्यापारी किसान की उपज नहीं खरीदे, यही कहना चाहते हैं। मैं दिगंबर सिंह भारतीय किसान यूनियन का युवा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हूँ। आज यहाँ जो ये चक्के जाम का कार्यक्रम किया गया है, ये जो 3 अध्यादेश भारत की सरकार लाई है, इन 3 अध्यादेशों के विरोध में आज पूरे देश का किसान सड़कों पर उतरा है और सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किसान कर रहा है। किसान की एक ही मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून भारत की सरकार लाए। इस तरह के काले कानून लाकर देश की सरकार जो है बरगलाने का काम ना करें, किसानों को जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना करें, इसलिए जगहों पर चक्का जाम है और इस चक्का जाम में पूरी तरह से किसानों का सहयोग है, यही बात। पूर्व डायरेक्टर किसान सहकारी चीनी मिल बात, आज ये धरना किसान यूनियन का चल रहा है, जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाई थी पहले और अब दोनों संसदों में वो पास करा दिए हैं, वो नितांत किसान विरोधी हैं। कहा तो ये जा रहा है कि एक मंडी अंदर होगी एक मंडी बाहर होगी, पर आखिर में होना ये है कि अंदर वाली मंडी जो सरकारी मंडी है उसे खत्म कर दिया जाएगा और जो बाहर वाली मंडी है जो पूंजीपति चलाएगा वही मंडी चलेगी। जैसे इन्होंने और उपकरण बेच दिए हैं, रेल बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, सेल भेल ONGC सब बेच दिए, ऐसे ही ये मंडी समिति का हल करने वाले हैं और किसान उसकी उपज का पूर्ण सही मूल्य नहीं मिलने का है और ये 3 अध्यादेश किसान विरोधी हैं, ये तुरंत वापस होने चाहिए और एक स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए ताकि इस देश के किसानों को फायदा हो। इस देश के किसानों को में अगर पैसा होगा तो जो आज GDP -29.9 पहुंच गई है और किसान के पास अगर पैसा होगा तो वही इस देश की GDP को आगे बढ़ाएंगे और वो GDP जितनी आज माइनस में है और किसान पे पैसा है तो वही GDP आज 29 माइनस में है वही प्लस में 25% तक हो सकती है। तो हमारा पुरजोर कहना यह है कि अध्यादेश ये विधेयक खत्म हो, स्वामीनाथन आयोग लागू हो और इस केस के किसान मजदूर का भविष्य सुरक्षित हो। जो ऊपर के जो 24 करोड़ जी